नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेंस स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अपने घरों में बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में लोग ज्वारे भी बोते हैं। इनके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि धरती की रचना के बाद जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वह जौ थी। नौ दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद इसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। आइए जानते हैं जौ बोने का महत्व। मान्यता के अनुसार प्रकृति के शुरुआती में जो फसल सबसे पहले बोई गई थी वह जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इन नौ दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में जौ को ऐसे ही नहीं बोया जाता, बल्कि इसे बोने के पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी छुपे होते हैं। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे और जल्द ही हरी भरी हो जाए तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे संकेत मिलता है कि आपके घर में कामों में आ रही हर प्रकार की रुकावट जल्द ही दूर होगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तेजी से जो बढ़ने का अर्थ है कि घर में सुख समृद्धि का आना शुरू हो